हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दीदी के घर में। तो मैं इधर आके ना मतलब मेरे भाई की शादी की एल्बम देख रही हूँ, और जिस भाई की शादी की एल्बम देख रही हूँ उसके शादी के वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो ना मेरे दीदी के लड़के ने शूट की है, और वो ना सारे कमरे में जाके दिखा रहा है कि कौन कौन क्या कर रहा है। तो आज ना इधर एक छोटा सा फंक्शन है, जब बेबी 21 डेज़ का हो जाता है तो हमारे डोगरी कल्चर में क्या रिचुअल होता है, क्या करते हैं हम लोग, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेरा मतलब छोटा भाई है ना, उसका बेबी है। तो मतलब दीदी के घर में फंक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी सी सेक्शन में हुई है। तो हमारा घर है जो मेरा मायका वो गाँव में है, तो इसलिए गांव में गए नहीं हैं। अगर कोई भी परेशानी बनेगी तो गांव से आते आते टाइम लगता है, तो दीदी का घर इधर पास में है इसलिए इधर रुके हैं, और ये फंक्शन भी इधर ही कर रहे हैं। गाइस देखिए, इनको जलन होती है बीहीना के इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं, कह रहे हैं व्लॉग डिलीट कर देंगे। पर है ना, मेकअप नहीं किया ना, इसलिए बोल रही है मुझे वीडियो। गाइस बीहीना जी अपने फोटो ढूंढ रहे हैं अच्छे वाले। ये देखो भाई की शादी की एल्बम है। जिनकी मैं शादी की एल्बम देख रही हूँ ना, इनके जहाँ ही आया छोटा सा नन्ना सा मेहमान, तो आज इसी का फंक्शन है। गाइस आज खाना भी ना जी बना रहे हैं। गाइस देखते कैसा बनता है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को। गाइस इनका खाना खा के कोई हार्ट अटैक ना आ जाए गाइस किसी को, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा गाइस, पेट्रोल खर्च हो जाएगा भाई। तो अभी दीदी ने कर लिया मेकअप, तो अभी अपना मुंह दिखा दिया इन्होंने कैमरे में, और इनका लड़का खुश हो गया। तो अभी पहुंच गई है दाई। तो हमारे यहाँ ना सूत्रा दाई करवाती है, और आपको जो रंगोली जैसी दिख रही है ना, इसको हम अपनी डोगरी भाषा में चौक कहते हैं। तो इस चौक के ऊपर कुर्सी रखेंगे और उसके ऊपर बेबी और बेबी की मम्मा बैठेंगे, तो फिर होगी कुछ रस्में शुरू। तो अभी ना बेबी की मम्मा तैयार हो रही है। वैसे ना ये एक शुद्धिकरण ही होता है, मतलब हम डोगरी में कहते हैं कि सुचा होना। तो जब तक सूत्रा ना हो तब तक मतलब जिस घर में बेबी होता है ना वो सुचे नहीं होते हैं, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते। बच्चा भारती हेलो हेलो। तो अभी बैठ गए हैं बेबी और बेबी की मम्मा चेयर पे। तो अभी जो ये धागा पहना रही है ना, इसको ही हम सूत्रा कहते हैं। ये धागा मामा पहनाता है, जो बेबी का मामा होता है। ये बेबी को भी पहनाएंगे, बेबी की मम्मा को भी पहनाएंगे, और जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी को भी बांधेंगे, और जिस बेड पे बेबी और बेबी की मम्मा सोते हैं ना उस बेड को भी बांधते हैं, और जो बेबी के पापा होते हैं ना उनके हाथ में भी ये धागा बांधते हैं। तो और किन किन जगहों पे ऐसे ही सूत्रा सेरेमनी करते हैं, क्या क्या रिवाज हैं आपके जहाँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ये ना पंचांग अमृत होता है, ये पांच पवित्र चीज़ों से बनता है। ये बच्चे को भी चखाएंगे, बच्चे की मम्मा को भी चखाएंगे, और घर में भी शिकार करते हैं इसका। ऐसे ही पकड़ के रख लो।
हाँ अम्मी को दो, पहले इसी उंगली ना चखाई ले बच्चे, फिर आप भी लेते सारे बतरे पत्र पैर थल रखने पिछे छे अच्छा बोलती।